विवादित बयानों पर सख्त हुआ इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, बीजेपी के दिलीप घोष को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच विवादित बयानबाजी का भी दौर जारी है। एक दूसरे पर राजनीतिक निशाना साधने के दौरान नेता एक दूसरे पर विवादित टिप्पणी भी करने लगे हैं। इन विवादित बयानों को देखते हुए अब चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है, बल्कि विवादित बयानबाजी करने वालों पर चुनाव आयोग ने अब कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के एक्स पर कंगना रनौत को लेकर किए गए पोस्ट के लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की तरफ से गुरुवार यानी कि 28 मार्च शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आयोग ने नोटिस क्यों जारी किया है। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर विवादित पोस्ट किया गया था, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी के निशाने पर आ गई। इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो सुप्रिया श्रीनेत को वो पोस्ट डिलीट भी करना पड़ा। हुआ ये कि कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है, इसे लेकर ही कांग्रेस नेता ने ये पोस्ट किया था। लेकिन जब सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी तो सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि किसी ने उनका एक्स हैंडल हैक कर लिया था। इसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। क्यों ना आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिलीप घोष को चुनाव आयोग ने नोटिस क्यों भेजा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष को सी ममता बनर्जी को लेकर दिए गए बयान के लिए नोटिस जारी किया गया है। टीएमसी की ओर से दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोप लगाया है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी के चुनावी नारे बंगाल अपनी बेटी चाहता है का मजाक उड़ाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने आरोप लगाया है कि दिलीप घोष ने कहा, जब ममता बनर्जी गोवा जाती हैं तो कहती हैं वो गोवा की बेटी हैं, त्रिपुरा में वो कहती हैं कि वो त्रिपुरा की बेटी हैं। पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ की बेटी हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।